गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और ये देखिए आपका ये है, सारे गैलरी है इसका, सारे क्रिकेटर्स के भी लगा रखे हैं फोटोज वगैरह। और ये डिपेंडेबल्स जो बैट्समैन हुआ करते थे जिनको हम डिपेंडेबल्स बोलते हैं, देखिए शानदार अच्छा है, होटल भी अच्छा रहा, स्टे भी अच्छा रहा काफ़ी। ये कौन है, सचिन तेंदुलकर, सांगकारा एंड ये कौन है पता नहीं, नाम भूल गया, राहुल द्रविड़, द वॉल, ये भी पता नहीं नाम भूल गया कौन है, ये तो इस वॉल है पाकिस्तान में। और यहाँ पर आई बिलीव डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर, नाम याद नहीं है, विवियन रिचर्ड्स और समवन, तो बहुत ही अच्छा है। नीचे भी और अभी दिखाएंगे आपको। और ये देखिए ये है प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी अर्लियर बिलोंग टू सी के नायडू एंड फैमिली, द फर्स्ट सुपर हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट। सी के नायडू की प्रॉपर्टी थी पहले। और यहाँ देखिए ये धोनी वर्ल्ड कप के बाद, सचिन धोनी वर्ल्ड कप के बाद। और ये टेबल का स्ट्रक्चर देखिए, पूरी क्रिकेट बॉल की तरह है, ग्लास टॉप विद क्रिकेट बॉल। यहाँ भी ये 1983 का वर्ल्ड कप जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव और ये सब देखिए। और यहाँ भी वही सेम टेबल एंड बॉल, सारा सामान आ गया है बाहर। अब हम पैकिंग कर रहे हैं, अपने गाड़ी में निकलेंगे और आगे के लिए निकलेंगे। बहुत ही अच्छा है और स्टे भी काफ़ी कंफर्टेबल रहा, बहुत अच्छा स्टे था। हाँ वो सारा लिखा हुआ है, सी के नायडू द फर्स्ट सुपर हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट, काफ़ी टाइम पहले की बात है। पहले यहाँ रहे थे और भी क्रिकेटर आए होंगे यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री का पार्ट है क्रिकेट में। अच्छा लगा कि हम किसी भी हिस्ट्री को देख पा रहे हैं। जो बॉल, ये टेबल बड़ी अच्छी लगी, बहुत खुद अच्छी लगी, ऐसी टेबल होनी चाहिए घर पर। फिर चलिए फिर निकलते हैं, सामान रखते हैं अपना, फिर आगे के लिए निकलते हैं। बारिश भी शुरू हो गई है। पता नहीं जब भी हम आते हैं ना बाहर, तब बारिश पता नहीं कैसे आ जाती है। बारिश हो जाती है ना? और जब हम मंदिर में थे तब तो नहीं आ रही थी। और ये है फ्रीडम पार्क, फ्रीडम पार्क है। और एक टैंक रखा हुआ है। और ये हम आ गए हैं सनसेट लेक की तरफ, दूसरे रास्ते से लेक को देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे झाड़ हैं, झाड़ भी है, बहुत सारे लेक भी है और सनसेट शानदार लग रहा है अल्टीमेट। और वहीं जो एयरपोर्ट भी है, एयरपोर्ट नज़दीक है काफ़ी, इसलिए यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ाने दे रहा है वो। और अब हम आ गए हैं नागपुर में, नागपुर में है हम, ये आई लव माई नागपुर का बोर्ड। और ये यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर छोटी सी एक लेक भी है पीछे, और पीछे एक आप देख सकते हैं तो स्वामी विवेकानंद का स्टैच्यू भी है। तो अभी यहाँ से चलते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं। स्मारक है, हाँ आगे स्मारक है, आगे स्मारक है एक स्वामी विवेकानंद का, नागपुर महानगर पालिका स्वामी विवेकानंद स्मारक। तो ये यहाँ पे स्मारक है, पीछे लेक है जिसका पानी यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है। और आज हमारा नया गाइड भी है हाँ, हाँ, हमारे साथ जो हमें घुमा रहा है पूरा नागपुर दर्शन चल रहा है। नागपुर दर्शन करना हो तो इनको कांटेक्ट करिए, नंबर दे देंगे आपको, लिंक 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 पहले। बट ही इज अ डॉक्टर, तो है ना बहुत ज्यादा चार्ज करने वाला है, गोइंग टू बी अ डॉक्टर, तो बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, बड़ा ही अच्छा लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद का। और यहाँ पर ये पूरा गार्डन है और वो देखिए स्टैच्यू स्वामी विवेकानंद का, और ये छोटा सा बोर्ड था
नागपुर, और पीछे सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, अभी तो नहीं हो रहा, थोड़ी देर में। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जब वो एक ओवरफ्लो होता है, बारिश में पानी जाता है पूरा ओवरफ्लो होता है, ये पूरा भर जाता है वहां तक, पूरा अभी तो होगी बारिश का। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा नाला सा दिख रहा है, मगर नाला सा नहीं है ये, वो काफी लेक से अम्माजरी के बैक वाटर्स है, पानी नहीं है अभी, लेक से जब पानी आएगा वो फ्लो के तब जाके ज्यादा हो जाएगा। और ये यहाँ पर लेक है, बढ़िया अच्छा लग रहा है, जब ये ओवरफ्लो हो जाएगा पानी तो नीचे आएगा जो अभी दिखाया था, और सनसेट होने वाला है, पेड़ के पीछे सन है, तो बहुत अच्छा है, शानदार व्यू। और ये यहाँ पर स्टैचू, ये विवेकानंद जी का स्टैचू, यहाँ पर ये सब लगे हुए हैं, फोटोज वगैरह, कुछ योगा का पोजेस हैं जो यहाँ पर लग रहे हैं। और यहाँ पर स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर ये तो देखा अभी, ये आई गेस ये, हाँ ये कन्याकुमारी में जो स्वामी विवेकानंद मेमोरियल बना रखा है उसका शायद, हाँ वही है, तो उसका फॉर्मेट लगा रखा है यहाँ पर। और ये छोटा सा गार्डन, यहाँ पर ये गार्डन है, छोटा सा फाउंटेन है वहाँ पर, और यहाँ पर ये देखिए ये जो स्टैचू छोटे छोटे से बना रखे हैं, ये योगा पोज में है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। कमेंट करके कि क्या क्या ये योगा पोजेस हैं, आपको कौन से आते हैं, आप कौन से कर सकते हैं इसमें, कौन कौन योगा कर सकता है, कौन कौन योगा करता है ये वाले। और ये है फुटाला लेक, ये दूसरा लेक था, उधर हम गए थे तो वो दूसरा लेक था, और ये है कुछ नया लेक, फुटाला लेक बोल रहे हैं इसको। और देखिए सनसेट कितना शानदार, फुटाला, और देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर, डूब गया कोई बात नहीं। और ये है श्री संकट मोचन, बड़े हनुमान मंदिर, हनुमान जी का टेंपल है, और अभी हम अंदर जा रहे हैं फिर इसको चल के। और अब याशी खा रही है मूंग दाल के पकौड़े और लस्सी, लस्सी ठंडी ठंडी लस्सी और मूंग दाल के पकौड़े, पकौड़े यहाँ के फेमस है, मूंग दाल यहाँ के फेमस है, ये मंदिर से जस्ट लगी हुई दुकान है, बड़े अच्छे ही पकौड़े निकले, टेस्टी टेस्टी खट्टे मीठे वही होता है बेटा। और आज हम आए हैं ये दीक्षा भूमि, ये दीक्षा भूमि नागपुर में, कितना अच्छा लग रहा है, देखिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और अभी हम यहाँ आए थे यहाँ पर देखने के लिए, बहुत ही शानदार व्यू है, हमें नहीं पता था, यहाँ पे आके ही पता चला, अच्छी जगह है देखने के लिए, विजिट करने के लिए, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, गौतम बुद्ध का अच्छा सा मूर्ति है यहाँ पर, बहुत अच्छा बना रखा है। तो फिर अभी यहाँ से आगे निकलेंगे, अभी हम यहाँ आए थे ला कार्मा नागपुर खाना खाने के लिए, डिनर बहुत ही शानदार खाना था, बहुत अच्छा खाना, बहुत टेस्टी। और भी बहुत सारे इस रोड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं बहुत सारे, मगर ये अच्छा है सबसे, और जो हमें लगा, हमें तो यही लगा, और बहुत ही शानदार खाना। NH 44 पर यहाँ पर ये टोल है, टोल से जस्ट पहले पड़ता है ये,